गुंजन के बारे में भी उसने सबसे पहले हमें बताया था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भी उसकी जिंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना कि तुम। फिर आज हमें इतना पराया क्यों कर रही हो? क्या मयंक का हमारे लिए प्यार और हमारा मयंक के लिए पैसों से तोला जा सकता है सीमा? नहीं, और संगीता तुम भूल गई? गोपाल के लिए हम तुम्हें पसंद करने आए थे। उस एक पल में हमने तुम्हें गोपाल की दुल्हन और हमारी छोटी देवरानी बना लिया था, और आज तुम हमें पराए कर रही हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हर बीमारी हर दर्द में शैल दीदी ने ही सबकी सेवा की है। क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? हाँ, है कोई जवाब? जिस दिन इन सबकी कीमत आंकना सीखोगे ना, उस दिन अपने संस्कार और इरादों की बात करना हमसे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या हुआ जी? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हम आपकी मदद कर देते हैं। हमने तय कर लिया है शैल, हम रचना की शादी कर रहे हैं। लेकिन क्या जी, इतनी जल्दी भी क्या है? उसकी पढ़ाई तो पूरी होने दीजिए। नहीं शैल, हम इस सब मामले को ठंडा कर देना चाहते हैं इसलिए, और वैसे भी उसके लिए लड़का ढूंढना आसान नहीं होगा। उसकी एक सगाई टूट चुकी है, और फिर ये पुलिस का चक्कर, और आज ये विहान का तमाशा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन इस वक्त हमारी हालत भी तो ठीक नहीं है। ऐसे में शादी का खर्चा कैसे होगा? कुछ नहीं होगा तो हम एक कर्जा और उठा लेंगे, अपने घर का एक हिस्सा बेच देंगे। लेकिन ये रोज और उसके तमाशे और परेशानी से तो मुक्ति मिल जाएगी हमें? नहीं शैल, इस सब का एक ही इलाज है, शादी। हम जल्द से जल्द रचना की शादी कर रहे हैं। नहीं, हमारी अकल को हो क्या गया था जो हम समझ ही नहीं पाए कि अचानक गुंजन बदल कैसे गई, जो अपनी मौसी के खिलाफ खड़ी हो गई, या फिर अपनी बहन की तरफदारी नहीं कर रही है। हमें समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हाँ दीदी, हमें भी यही गलत फहमी थी कल तक कि गुंजन हमारे साथ है, लेकिन कल जब हमने देखा कि अपनी बहन के साथ साथ वो भी कैसे छटपटा रही है ना, तब असलियत हमारी समझ में आई। संगीता, तुम बहुत समझदार हो जो झट से समझ गई उस गुंजन का ड्रामा, लेकिन एक हम है कितने भोले और शरीफ है कि उसके झांसे में आ गए। अरे आज सुबह की बात ले लो, मौसी भांजे के बीच में कैसे प्यार पनप रहा था मंदिर में। अरे कैसे खुसुर फुसुर कर रही थी दोनों। दीदी एक बात कहें, अब है ना नरमी से काम नहीं चलेगा। अब सबके सामने उसे ऐसी डांट लगाइए ना कि उसकी अकड़ ठिकाने आ जाए। ये क्या है गुंजन? अरे ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा, मयंक को खाना परोसो। अब माँ कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। गुंजन, एक पत्नी का धर्म क्या होता है? अपने परिवार की, अपने पति की इज्जत करना, अरे उनका ख्याल रखना। ये नहीं है कि उधर उधर की बातों में अपनी टांग अड़ाते घूमो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी जी? क्योंकि इसकी जरूरत है। अब सुबह सुबह हमारा मुंह मत खुलवाओ। हाँ आंटी जी प्लीज, आपको जो भी कहना है वो साफ साफ कह दीजिए, ऐसे घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। और
कौन सी जिम्मेदारी है जो मैंने नहीं निभाई? अच्छा अब भोली मत बनो, सच्ची सच्ची बोलना, वो जो राखी वाला ड्रामा हुआ वो तुमने किया था ना? वहां वो संगीता को चढ़ाया, इधर हमें चढ़ाया, हम दोनों के बीच में अनबन कराई, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुम्ही ने जाल बिछाया था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि करने की जरूरत थी। तुम लोग भड़क गए, ये तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। और वैसे भी तुम लोगों को भड़काना इस बच्ची का इरादा नहीं था, ये तो सिर्फ एक बार इस पूरे परिवार को एक साथ लाना चाहती थी। और अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर ऐसा करने में गुंजन ने कुछ गलत किया हम नहीं मानते। और हम आप लोगों को एक बात बता दें, हमने भी गुंजन का साथ दिया। जी हां, क्योंकि हम इस बच्ची के इरादों से सहमत हैं। इसका दिल साफ था और आज भी है। हमारी बहू तो सिर्फ इस घर में जो नफरत की लकीर खिंच गई थी उसे मिटा रही थी, जो हमारी शैल भाभी आज तक करती आई है। जो इस घर के हर बहू का फर्ज है। रचना, हम ना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सा रिश्ता लेकर आए हैं। तुम सारी जिंदगी अपनी इस पीहू दीदी को थैंक्स कहोगी। हाँ हाँ, मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे कि लड़का कैसा दिखता है, क्या करता है वगैरह वगैरह। पूछो पूछो, हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन है। क्या हुआ, सबके सामने बात करने में शर्म आ रही है ना? चलो ठीक है, हम अकेले में चलकर बात करते हैं। अब जिसे जलना है उसे जलने दो, तुम ऊपर जाओ। अरे जाओ ना, हम तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। अरे गोपाल वरना जरा कंट्रोल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई के प्यार में आकर वो शादी ब्याह के पचड़े में पड़ जाए। अरे जेठ जी और दीदी पर छोड़े ना, हमें क्या है। हाँ दीदी, ये भी ना बड़ी जल्दी फिसल जाता है, और जहाँ बात जेठ जी की आती है ना वहाँ तो बस पूछिए मत। हाँ। अच्छा सुनो, वो लिस्ट दिखाओ जरा, मोटा मोटा हिसाब तो देख ले। अरे राम, हिसाब हुआ 11,000, तो आधा आधा हुआ 5,500। अरे ये क्या दीदी, आप हिसाब आधा आधा करेंगी? नहीं, और नहीं तो क्या, संगीता हिसाब बराबर बराबर होना चाहिए ना। पर दीदी आपका परिवार हमारे परिवार से बड़ा है, खर्चा भी हम उस हिसाब से देंगे कि नहीं? तुम्हारा मतलब क्या है? देखिए दीदी, डोलू तो बच्चा है तो वो तो किसी गिनती में ही नहीं आता, और बच्चे कौन, ये और हम। आपके परिवार में तो 4 बड़े लोग हैं, हुए कि नहीं डबल। अरे संगीता कैसी बातें कर रही हो, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि हमारे मयंक की नौकरी छूट गई है। दीदी हिसाब हिसाब होता है, और थोड़े देर पहले आप ही तो हमें ज्ञान दे रही थी ना कि इन पे कंट्रोल रखे, तो दीदी खर्चे पर भी तो हमें को कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। हाय हाय, हमारी बिल्ली और हमें से म्याऊं। देखिए दीदी, पैसों के मामले में बात साफ होनी चाहिए, वो कहते हैं ना कि दोस्ती पक्की और खर्चा अपना अपना। हाय हाय, आज तक हम तुम्हें अपनी छोटी बहन समझते आए, पर आज तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। हाँ अरे दीदी, आपकी छोटी बहन है तभी तो कह रहे हैं हम। इतने साल मौसी जी ने घर का खर्चा चलाया तो किसी को पता भी नहीं चला, और आज इतना हल्ला हो रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।